दोस्तों, ये है नोकिया की तरफ से फिलहाल इंडिया में लॉन्च किया गया नया 4G फीचर फ़ोन, जो कि है नोकिया 225 4G। ये आपको डुअल सिम का सपोर्ट देता है, दोनों ही सिम पर आपको 4G नेटवर्क यहाँ पर मिल जाता है। तो इसमें जो है दो जियो सिम भी काम कर सकते हैं, साथ में जियो के सिम के अलावा आप दूसरा सिम भी लगा सकते हैं, उस पर भी आपको 4G नेटवर्क मिल जाता है। तो इस बारे में तो मैंने अलग से वीडियो यहाँ पर बना दिया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो लोगों के कमेंट यहाँ पर आए, वो कमेंट थे कि क्या इसमें जो जियो फ़ोन का प्लान है वो यहाँ पर काम करता है नहीं करता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या इसमें जो है जो जियो फ़ोन का जो सिम है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो फिलहाल मेरे पास जियो फ़ोन भी है, जिसमें मैंने जियो का सिम है जो लगाया हुआ है, और जियो वाला जो रिचार्ज है वो यहाँ पर किया हुआ है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो जियो का सिम है वो यहाँ पर काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो रिचार्ज किया हुआ है वो भी मैं सबसे पहले आपको माई जियो ऐप में जाकर वही रिचार्ज आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने माई जियो ऐप यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर कंटिन्यू टू माई जियो करते हैं। तो अभी हमारा जो माई जियो ऐप है दोस्तों, वो आप लोगों के सामने ओपन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा कि इसमें जो है जियो फ़ोन वाला जो प्लान है वो काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो आप लोग को पता है जियो फ़ोन के लिए फ़िलहाल जो मंथली सबसे सस्ता प्लान है वो 75 रुपीज़ वाला है, जिसमें आपको रोज़ाना जो है 100 MB डेटा मिलता है, वो 102 MB डेटा मिलता है आपको, और ऊपर से 200 MB डेटा और मिलता है। यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है जियो से जियो, और दूसरे नंबर पर कॉल करने के लिए आपको जो यहाँ पर कॉलिंग मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलती है 500 मिनट की, और 50 SMS आपको मिल जाते हैं 28 दिनों के लिए। तो वही प्लान 75 रुपीज़ वाला, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि 75 रुपीज़ वाला प्लान इस जो है जियो सिम पर एक्टिवेट है, इस जियो फ़ोन में एक्टिवेट है। तो इसी जो है सिम को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसे जो है नोकिया वाले फ़ोन में दोस्तों लगा देता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले मैं नोकिया का 4G फीचर फ़ोन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए आप दो सिम कार्ड जो है लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉट में जो जियो का सिम कार्ड है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने सिम यहाँ पर जो है अभी लगा दिया है, और अब हम यहाँ पर इसे बैटरी लगाकर ऑन कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर इस 4G फीचर फ़ोन में, नोकिया 225 4G फीचर फ़ोन में, ना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ना आप यूट्यूब वाला ऐप यूज़ कर सकते हैं, ना ही अलग से कोई ऐप आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। नेटवर्क यहाँ पर आ चुका है, नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है जियो 4G यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है नेटवर्क वाला साइन जो है वो आपको शायद दिख रहा होगा, और वोल्टी वाला साइन भी फिलहाल आपको दिख रहा है। डेट एंड टाइम सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इंटरनेट यहाँ पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं दोस्तों ब्राउज़र के अंदर। ये हमने ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर गूगल सर्च वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो कनेक्टिंग यहाँ पर दिखा रहा है, फेल टू कनेक्ट इंटरनेट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो इंटरनेट यहाँ पर आपका, ये देखिए इंटरनेट आपका, ये शायद आपको दिख रहा हो, इंटरनेट आपका यहाँ पर जो है काम नहीं कर रहा है। ये मैं दिखा देता हूँ, नहीं कर रहा है भाई इंटरनेट यहाँ से तो काम। और ये फेसबुक वाला जो है यहाँ पर जो शॉर्टकट दिया गया वो ओपन करके दिखा देता हूँ, वो भी ओपेरा मिनी में ओपन होगा, तो वो भी यहाँ पर काम नहीं किया है। एरर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, बस आपका जो इंटरनेट है वो काम नहीं कर रहा है। तो और कुछ फीचर इसमें आपको मिलता नहीं कि मैं कहीं आपको जो है इंटरनेट चला के दिखाऊं, तो भाई इंटरनेट तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब कॉलिंग भी मैं दिखा देता हूँ, कॉलिंग के लिए मैं नंबर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, नंबर मैं हाइड कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जो है नंबर यहाँ पर एक डायल कर लेता हूँ। नंबर मैंने यहाँ पर अपना लगा लिया, अब मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, और लाउड स्पीकर पर आपको सुनाऊंगा कि क्या कुछ आवाज़ यहाँ पर आने वाली है। तो भाई अब आप लोगों ने देख लिया कि इसमें जो है जियो फ़ोन वाला सिम काम नहीं करेगा। कोई भी जो जियो फ़ोन का प्लान है, मैंने तो 75 रुपीज़ वाला लिया हुआ है,
कोई भी जियो फ़ोन का प्लान इसमें नहीं काम करेगा, तो स्मार्टफोन वाला रिचार्ज आपको इस फ़ोन पर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे सस्ता जो स्मार्टफोन का रिचार्ज है वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है जो सबसे सस्ता जो स्मार्टफोन के लिए रिचार्ज है वो भी रिलायंस जो का, अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर सबसे सस्ता जो प्लान पड़ जाता है वो 149 रुपीज़ वाला पड़ जाता है, जिसमें आपको जो यहाँ पर 24 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। अगर 28 डेज़ वाले प्लान की बात करें तो वो आपको 199 में पड़ता है। या तो 149 का रिचार्ज कराना होगा या 199 का, तभी आप इस फ़ोन में जियो का सिम यूज़ कर पाओगे। दूसरे सिम आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई भी उनका प्लान ले सकते हो, सिर्फ कॉलिंग वाला प्लान भी ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जियो सिम काम नहीं करेगा, जियो फोन वाला सिम काम नहीं करेगा, जियो फोन वाला प्लान यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।